नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। शनि की ढैया और शनि की साढ़े साथी, भाई ये से तो आप पूरी तरह से इसको डर की तरह लेते हैं आप, लेकिन लेना भी चाहिए। कभी कभी अवेयर रहना जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। 17 जनवरी को जब शनि का राशि परिवर्तन होगा, यानी शनि अपनी मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से वो एकादश भाव, बढ़ोतरी का भाव, आपके धन का भाव होता है। कर्म भाव को छोड़ करके धन की तरफ जाना शनि देव का कैसे संकेत देगा। लेकिन जिन लोगों की शनि की ढैया शुरू होगी और शनि की ढैया के साथ साथ जिन लोगों की शनि की साढ़े साती शुरू होगी, उन्हें कितना सावधान रहने की ज़रूरत है। कौन से हैं वो राशियाँ जो ढैया और खास करके साढ़े साती के घेरे में आएंगी, किन्हें ज़्यादा बचने की ज़रूरत है, ये पूरी वीडियो उसी पर है। और ख़ास करके ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि शनि देव का ये जो प्रभाव है, चाहे वो ढैया हो, साढ़े साती हो, या फिर आपकी राशि में विराजमान हो करके, किन लोगों पर इसका इम्पैक्ट, प्रभाव जो है वो ज़्यादा पड़ने वाला है, किन लोगों को ये रेस्टलेस कर सकते हैं, यानी अपने मिशन से दूर कर सकते हैं। सबसे पहले तो नेता अभिनेता की बात कर लेते हैं। नेता अभिनेता के जो स्वामी होते हैं, खास करके जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं या फिर हम अपने इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो इंडस्ट्री के लिए तो हम शुक्र की बात करते हैं, लेकिन जब हम नेताओं की बात करते हैं तो वहाँ शनि और राहु का कॉम्बिनेशन भी ज़रूरी होना चाहिए। और उसमें शनि अपनी राशि से चेंज करके दूसरी राशि में जा रहे हैं, जो कि उनकी स्वयं की ही राशि है, मूल त्रिकोण की राशि है। और इसका इम्पैक्ट उनकी ज़िंदगी में किस तरीके का, कुछ ना कुछ तो ये परेशानी करेंगे ही करेंगे, खलबली मचाएंगे ही मचाएंगे। अब आपको संभल करके रहने की ज़रूरत है, अटेंटिव रहने की ज़रूरत है। अचानक कुछ भी, किसी भी तरीके का सडन परिवर्तन ये करने ही वाले हैं। अब आप न्यायप्रिय हैं, काम करते हैं तो आपके साथ न्याय ही करेंगे। अगर आप अन्यायप्रिय कुछ काम करते हैं तो मिडल में आपकी नैया को कहीं ना कहीं रोक देंगे वो। तो आपके लिए भी खास करके ये संभलने की भी ज़रूरत है और हर तरीके से शनि के चेंज को देखने की ज़रूरत है। दूसरा, खास करके जो सत्ताधारी लोग होते हैं, मतलब हमारी कुर्सी बस, अब कोई नहीं, दुनिया ऐसी की तैसी कर देते हैं ना, कुर्सी मिलते ही पागल हो जाते हैं, बुखला जाते हैं। और दूसरा, ऐसे लोग जिन्हें कुर्सी तो मिली होती है लेकिन अपने ही साथ अगर किसी दूसरे को बढ़ते हुए देखने वाले लोग होते हैं, जो विचलित तो हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनको थोड़ा सा और परेशान करने वाले हैं। अब ये शनि का गोचर उन्हें भी कहीं ना कहीं परेशान करता हुआ नजर आएगा, करेगा कुछ तो खलबली आपकी ज़िंदगी में भी मचाएगा। बिजनेस की बात करते हैं, बड़े बिजनेस, और ख़ास करके जिनके बिजनेस शनि की धातु से जुड़े हुए हैं या शनि की चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं, आपको भी ज़रा संभल करके स्टेप लेने की ज़रूरत है। अरे, स्टेप अप होना हर किसी को अच्छा लगता है, आगे बढ़ना किसी अच्छा नहीं लगता, लेकिन किसी भी चीज़ का एक तरीका, एक सिस्टम होता है, ना कि जंप, सीधा जंप मारो और ओंधे मुँह गिर जाओ, ऐसा तो नहीं चाहते ना। तो आपके लिए भी कुछ चीज़ों को खास करके ये डिसीजन लेते समय समझना है, क्या डिसीजन लेने हैं, किस तरीके के डिसीजन लेने हैं, क्या ये डिसीजन आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा खलबली तो नहीं मचाने वाले हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपने संभलना है, समझना है, फिर आगे कदम बढ़ाने हैं। 17 जनवरी को कुंभ राशि में शनि का प्रवेश।
जब ये प्रवेश करेंगे तो किनकी ढैया जो है वो शुरू होंगे और किनकी साढ़े साथी? सबसे पहले हम साढ़े साथी की बात करें, क्योंकि साढ़े साथी से हर कोई घबराता है, हर कोई परेशान होता है। मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, ये तीन राशियों की ढैया साढ़े साथी जो है वो बरकरार है, और इनमें से मीन राशि की साढ़े साथी जो है वो शुरू हो जाएगी। और ये साढ़े साथी की जब हम बात कर रहे हैं, तो जब हम कर रहे हैं मीन राशि, क्योंकि मीन राशि की ये साढ़े साथी शुरू होगी पाइसियन की। अब पाइसियन की जब ये साढ़े साथी जो शुरू होती है, वो कहते हैं कि पहला हिस्सा ऊपर का हिस्सा होती है, यानी पहला स्टेप ऊपर का सिर की जो साढ़े साथी, यानी सिर के हिस्से की साढ़े साथी मान सकते हैं। कि इसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो, सिर, मिडल एंड नीचे फीट, यानी पैर या लेग्स भी कह सकते हैं आप इसे। तो मीन राशि वालों को ये ऊपरी हिस्से की साढ़े साथियों की, यानी फर्स्ट स्टेप उनका। और अगर वही बात करते हैं कुंभ राशि वालों की, तो यहाँ पे आ जाएगी इनके मिडल हिस्से में, यानी मिडल की इनकी साढ़े साथी रहेगी। और वहीं आ जाते हैं, नीचे आते हैं, अगर हम मकर राशि की तरफ आते हैं, तो आपके लोअर यानी आपके लेग्स की कह सकते हैं, आपके पाँव की कह सकते हैं, आपके पैरों की बोल सकते हैं, तो आपकी ये निचली यानी लास्ट साढ़े साथी होगी। अब जब हम साढ़े साथी की बात कर रहे हैं, तो अब हमें ढैया से भी थोड़ा सा, ढैया वालों को भी थोड़ा सा अटेंटिव रहने की ज़रूरत है। अब ढैया किन की है? कर्क, वृश्चिक, इन लोगों को थोड़ा सा अपनी ढैया से बच करके रहना है। इन लोगों को ढैया का अटैक होगा, तो आफ्टर ऑल आपको संभलना है, इसीलिए आपको ये वीडियो हम बता रहे हैं कि आपको घबराना नहीं है। कि अगर मान लीजिए साढ़े साथी शुरू हुई है, ठीक है, एक प्रोसेस से जब शनि देव चक्कर काटेंगे, वो कहीं ना कहीं किसी की राशि में तो आएंगे आएंगे। अब ये तो कह नहीं सकते कि शनि देव को आप कुंडली से ही बाहर निकाल दें, ऐसा तो होगा नहीं। तो मेष हो, वृष हो, मिथुन हो, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, सारी राशियों की अगर हम बात करें, वैसे हमने हर राशि के लिए एक वीडियो डाल दी है कि हर राशि वालों के जो ये ढैया का जो प्रभाव है, किन किन घरों को पीड़ित करने वाला है, किन घरों में इसका इम्पैक्ट जो है किस तरीके का रहने वाला है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अभी साढ़े साथी की, तो हम आपको तीन राशियाँ बता चुके हैं जिनमें साढ़े साथी का इसका प्रभाव जो है वो आपके ऊपर रहने वाला है। अब जब बात आ रही है कि साढ़े साथी आपकी शुरू हो रही है, जबकि ऊपरी हिस्से की अगर हम बात कर लेते हैं, तो हम करना क्या चाहिए हमें? जब इमीडिएट कहते हैं कि शनि आते हैं, कोई भी अगर मान लीजिए आपको किसी के घर में अचानक एकदम के लिए छोड़ दे, हाँ, अगर वो घर आपका है तो थोड़ा सा आपको ये लगेगा कि बैलेंस है, चलिए ठीक है, अचानक भी आना पड़ा कोई दिक्कत नहीं है, मैं संभाल लेंगे, मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर किसी अननोन पर्सन के घर में इमीडिएट क्विक आपको छोड़ दिया जाता है, तो रिएक्शन बड़ा ख़राब होता है। अब मीन राशि में कुछ ऐसी ही सिचुएशन है, यानी उनकी साढ़े साथी शुरू होने का मतलब, अगर मकर की है, कुंभ की है, तो वो उनकी स्वराशि की इस समय साढ़े साथी है। लेकिन अगर मीन राशि की बात करें, वहाँ तो इमीडिएट कहते हैं ना पहुँचने वाला काम है। और जब एकदम कोई ऐसी चीज़, ऐसा प्लेनेट आपकी राशि में एंटर करता है, तो कुछ समय के लिए आपके सिस्टम को वो डिस्टर्ब करता है, फिर धीरे 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 वो चीज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं कि सेटल्ड होने लगती है। अब कैसे सेटल्ड होती है? या तो आप अपने कर्मों से उसे सेटल कीजिए, एक ही तरीका है, या फिर एक्सेप्ट कीजिए, दो ही तरीके हैं। तो बेटर होता है कि हम अपने कर्म प्रधान शनि, अगर आपकी राशि में साढ़े साथी का प्रभाव शुरू करने वाले हैं, तो आपको थोड़ा सा संभल करके चलना है। किसी भी फैसले को लेने से पहले आपने बहुत अच्छे से उसकी छानबीन करनी है, बड़ों को थोड़ा सा सहयोग लेना है बड़ों का, ताकि आप कोई फैसला लें तो वो गलती ना हो जाए, चूक ना हो जाए। और मकर कुंभ राशि की अगर के हम बात करते हैं, तो कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन मिडल की हो जाएगी आपकी ये साढ़े साथी, तो आप उस एक यूज टू हैं उस साढ़े साथी के,
यानी वैसे भी कहते कुंभ राशि के अंदर त्रिकोण का है उनका, तो अब दिक्कत नहीं करते, ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, लेकिन जो आखिरी पल होते हैं जिसे हम कह रहे हैं मकर राशि, क्योंकि वो भी इनकी स्वयं की राशि है, प्रभाव तो वहाँ पे भी देंगे, प्रभाव ये पहली राशि पे भी देंगे, यानी मीन राशि की बात कर रहे हैं, पहली मीन्स की जिसकी 7:30 शुरू हो रही है, तो प्रभाव तो ये सबके ऊपर रहेगा, दृष्टिगत भी इनका प्रभाव रहेगा, युतिगत भी इनका प्रभाव रहेगा, लेकिन मोटे तौर पर समझने की ज़रूरत है आप लोगों की, ढैया 7:30 जो शुरू हो रही है, आप कर्म प्रधान काम कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, किसी को तंग नहीं कीजिएगा, किसी का हक नहीं मारिएगा, किसी को परेशान नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा लथार्जिक आप लोग हो सकते हैं, थोड़ा इस समय लो फील कर सकते हैं, स्ट्रेस हो सकता है, कारण चाहे कुछ भी हो, हेल्थ को थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है, प्लेनेट है वो चल करके आएगा ही आएगा, उसे आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने एक सिस्टम को थोड़ा सा बदल सकते हैं, समय पर उठना, समय पर खाना, समय पर सोना, समय पर काम करना, और कोशिश करनी है कि रात में अकेले एकांत जगहों पे नहीं जाना है, गुमराह थोड़ा सा हो सकते हैं, किसी के बहकावे में नहीं आना है, अपने स्वयं के डिसीजन अपने होशो आवास में लेने हैं, और कर्म प्रधान काम करना है, कुछ अच्छे धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ करके अपनी सैलरी अपनी इनकम का कुछ हिस्सा आप एक अच्छे धर्म कर्म के कार्यों में लगाएं, ताकि आपके कर्म सुधरें और कर्म प्रधान शनि आपको अच्छे कर्मों का अच्छा फल दे। घबराइए नहीं, डरिए नहीं, सिर्फ थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है। मैंने वीडियो डाली हुई है और वीडियो भी डाली हैं और भी डालेंगे, लेकिन आपने उपाय और अपने तरीके थोड़े से बदलने हैं, तो उपाय थोड़े से अच्छे से करने हैं, तो इससे आपको डरना नहीं पड़ेगा, इनफैक्ट आपको लाभ देते हुए जाएंगे शनिदेव। तो शनिदेव से डरे नहीं, घबराएं नहीं, शनिदेव की आराधना करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।